तेरे बिन नहीं जीना मर जाना टोलना है, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना टोलना। मास्टर आर्यन है ते मैं गुरदासपुर शहर पंजाब च रहना। मैनू गायकी दा शौक बचपन तो ही सी। मैं मेरी मम्मा पहला मैनू हनुमान चालीसा सिखांदे सी ते उन्होंने पापा नू कहन दी कोशिश की कि इनू थोड़ा गायकी वाले दा ध्यान दो, ते पापा ने कहा कि हले बहुत छोटा है, ते मम्मा ने कहा कोशिश तो करके देखो, ते फिर पापा ने कोशिश की ते फिर मैं गायकी दी लाइन विच पै गया। मैनू गायकी दे गुण देण वाले मेरे पापा है। मेरे पापा कॉन्वेंट स्कूल च म्यूजिक टीचर ने। मैनू मेरे पापा ने जो भी कोई मैं नवा गाना करदा सी पहले मेरे पापा ने मैनू फोन च ला के देना, फिर मैनू हारमोनीयम ते प्रैक्टिस करवानी, ते फिर जदों मैनू थोड़ा थोड़ा आना ते फिर पापा ने मैनू डायरी ते लिख के दे देना जिहदे नाल मैं बोलदा सी। मैं जदों मेरा सारेगामा पा दा ऑडिशन सी उदों मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस सी। मेरा फर्स्ट ऑडिशन सी अमृतसर, ते थर्ड और सेकंड और थर्ड ऑडिशन मेरा सी दिल्ली। मैं सारेगामा पा शो तो पहला पीटीसी पंजाबी वॉइस ऑफ पंजाब सीजन 8 च परफॉर्म कर चुके हैं। मैं उत्थे सेमीफाइनल तक पहुँचा सी। मैं सारेगामा पा दा ऑडिशन दिता ते मैं स्टूडियो राउंड तक पहुंच चुकी हां। जजेस जेड़े उठे आए सी उन्होंने की किया, जिस तरह चेक किया उन्होंने, मेनु किया सी कि मेनु सानू आऊं लगदा सी कि सीधा सी भगवान नाल कनेक्ट हो गए हां। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा ते एक्साइटमेंट थोड़ा नर्वस भी सी मैं, लेकिन जदों गया ते मेरा सारा डर उड़ गया। मेनु जेड़ी हरकत वगैरह मुर्कियां वगैरह मैनू वह मारन मिली, तो मैनू ज़्यादा तो ज़्यादा सुर च गाने मिलिया। सारेगामा पा ऑडिशन जजिस सी अनु मलिक, शंकर महादेव अते नीति मोहन जी। मैं जदों सारेगामा पा ऑडिशन च अपनी परफॉर्मेंस दिती तो अनु मलिक जी ने मैनू बहुत ही ज़्यादा एप्रीशिएट किया। उन्होंने मेरे वास्ते एक गाना गाया, उन्होंने सुनाना, उन्होंने बोलिया सी जो दिल की बात होती है नजर आनी चाहिए, तू गायकी का दूल्हा है हम सब तेरे बाराती हैं। ऐ बोले सी मैं बहुत ही बड़ा स्टार सिंगर प्ले बैक सिंगर बनना चाहना, अते मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता, अते मैं बॉलीवुड च बेस्ट सिंगर बनना चाहता। मेरा नाम दीपक गुरदासपुरी है जी, ते मैं एक म्यूजिक टीचर हाँ कॉन्वेंट स्कूल विच, ते प्लस मैं जगराते वगैरह भी करी दिया, स्टेज प्रोग्राम कर दिया। ते आर्यन उदों 6 साल दा सीगा जदों इसनूं म्यूजिक दी थोड़ी थोड़ी समझ आनी शुरू हुई है। ये गाने वगैरह टीवी ते जो मशहूरियां वगैरह आंदियां सीगियां ते उन्हां दा मूँह दे नाल म्यूजिक वजांदा सीगा, ते फिर मैनूं लगा भी इहदे विच थोड़ा गायकी दा हैगा, इहदे विच कीड़ा हैगा, इहदे विच ये गायकी नूं समझदा।
ते फिर मैं हौली हौली गाने की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। तो फिर थोड़ा थोड़ा गाने लग पे अपनी तोतरी जबान नाल, ते है सुर च सीगा। तो बाद विच हौली हौली यह गाँदा गया, अगे वधदा गया। फिर यदा एक यदि क्वालिटी है भी यदा जिहड़ा हाई टोन है, पिच है ना जिहड़ा सुर जिहड़ा बड़ा उच्चा, ये हाई टोन वाला पिच अच्छा सुर लांदा। तो यदा टोन कवाली वाला टोन है यदा, तो अच्छा गा रहा जी। जे गल की जाए गायकी की, किसी को सीखते तुहाडे को सीखते किसी को सीखते बाहरों भी सीखे? नहीं बाहरों नहीं जी सीखा, ये बस मेरे को सीखा जो भी सीखा थोड़ा बहुत। देखो जी सारे ना पहले पीटीसी दे पीटीसी पंजाबी वॉइस ऑफ पंजाब छोटा चैंप उहदे विच गा चुकिया। ते उस तो बाद फिर जागरणा विच भी हाजरी लगांदा, फिर पीरां दी दरगाह कवालियां महफलां उहनां विच भी ये गांदा जा। हुण कहिड़ी स्टेज ते परफॉर्म कर रहे जा? हुण जी ये जी टीवी लिटल चैंप छोटा चैंप च जा रहा जी, ते उत्थे परफॉर्म कर रहे जा। की वेखना चाहुंदे तुसीं, की कहना चाहुंदे? देखो जी मैं तो यही चाहना, हर एक माँ बाप का यही हुंदा सुपना भी उहदा जिहड़ा बच्चा है वह किसी मुकाम ते पहुंचे ते वधिया गावे, उहनां दा नाम रोशन करे।